इस श्रावण के महीने में जो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन बहुत होता है, तो कुछ विषाक्त घास भी या शाक पत्ते भी गाय भैंस खा लेते हैं और जिसके चलते दूध विषैला हो जाता है। दूसरा, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन के कारण आमतौर पे पेट की तकलीफ बहुत ज्यादा होती है सभी जातकों में, इसलिए आयुर्वेद में इसका निषेध किया गया। भी भाजी है, दही है, इसे थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। पर श्रावण के महीने में भगवान को दूध दही चढ़ता है और कढ़ी जो है वो दही से बनती है, इसलिए दही या दही से बनी हुई जितनी भी रेसिपीज हैं, चाहे दही के मराठे में मिर्च का वो एक बनता है कुछ सब्जी, इन 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 चीज़ों में भी दही छाछ इन सब का निषेध करना चाहिए। इससे भगवान शिव की कृपा तो मिलती है, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। पर एक चीज़ का सेवन जरूर करना चाहिए और ये आपने प्रश्न नहीं किया फिर भी मुझे से लगता है, वो है हरी धनिया। हरी धनिया जो खड़ी धनिया होती है, क्षमा करेंगे, जो खड़ी धनिया होती है उसे भूंज करके और उसमें थोड़ा शक्कर डला करके और हरी धनिया की पंजीरी सुबह शाम भगवान को भोग लगा करके और उसका भोजन करना चाहिए। ऐसे करने से भगवान शिव, कृष्ण, लक्ष्मी, नारायण सब प्रसन्न तो होते ही हैं, साथ में मुझे लगता है कि आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है।